आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे अगर कोई यूट्यूब वीडियोस बना रहा हो, ट्यूटोरियल्स बनाता है, तो उनको कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहां पे भी जाके उसे देख सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेश टेक्निकल। आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे आसानी से कि कैसे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट ओपन करने के बाद यहां पे हमें ऑप्शन मिलता है डाउनलोड ऐप का या स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। चलिए हम इसे अब यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब हम यहां थोड़ी देर के बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाता है हम इसे इंस्टॉल करके फिर दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। हम बाकी ऐप को क्लोज कर देंगे। यहाँ से ये आइकन बन के आ चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे रन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे ही इसे ओपन करते हैं ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ये यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, वेबकैम का, इस माइक का और कस्टम का ऑप्शन दिया है। वेबकैम का मतलब दोस्तों यहाँ से आप चाहे तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डायरेक्ट जो कैमरा ऑन होता है वहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम एंड माइक पे क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम साउंड देगा। माइक्रोफोन का दिया है सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन, यानी कि आप माइक वगैरह का यूज़ करते हैं, जो सी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आपके लैपटॉप की साइज़ या कंप्यूटर की साइज़ यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, आपको कितना रेगुलेशन रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ साइड में आपको लाइन दिख रही है रेड कलर की, वो उतना हमने सेट करके रखा हुआ है। इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ हम सेटिंग्स कर लेंगे, जैसे कि आउटपुट मेथड MP4 का होना चाहिए, फ्रेम रेट अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, उसके बाद बीट रेट, कोलैप, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड या मीडियम जो भी रख सकते हैं, फॉर्मेट आपका MP3 होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वगैरह करके हम सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे बटन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये हमसे परचेज का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम इसे फ्री ट्रायल करना चाहते हैं तो फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही ये 1 2 3 करके स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे साइड में दिया हुआ है आपको सेकेंड चल रहा है। चलिए हम यहाँ से अब एक फाइल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये आइकन्स दिख रहा है उन सब का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से कैमरा का ऑप्शन है, जैसे कि कैमरा दिया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस आया हुआ है जिससे अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करके इंडिकेट करना चाहते हैं तो भी इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एरो से कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एरो से इंडिकेट किया जाता है ट्यूटोरियल्स बनाने में, या कुछ भी हम बनाकर दिखाते हैं तो इसे कैसे इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद अगर आप सर्कल से इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं कहीं न्यूज़ वगैरह में आपको दिखाया जाता है कि सर्कल के अंदर क्या है, तो उस तरह से ये सर्कल भी आप यहां से बना सकते हैं इजीली। इस तरह से कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ से चाहें तो आप साइड पे क्लिक करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, और लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप पूरी फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये था ये फीचर जो आपको रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ से आप इजीली नॉकआउट कर सकते हैं और ये एग्जिट प्रोग्राम करेंगे तो आपको
जो भी वीडियोस आपने रिकॉर्ड की है सब कुछ आपके डेस्कटॉप पे इजली सेव हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।